ये डैमेज हो गया है, ये बॉल लगी है हाँ फुटबॉल, ये डैमेज हो गया पूरा पीस, अच्छा फुटबॉल ये का काली भी है। ये अब नहीं निकाल के शीशा खराब कहना, ये तो फिर समझने के ज्यादती जाती है ना, ये तो है, लोगों के साथ ज्यादती जाती है ना ना। करें। मैं कह रहा हूँ साफ सुथरा काम करें, अल्लाह पाक आपको वैसे भी रोजी बहुत देगा। अभी किसी की चीज़ फॉर एग्जाम्पल बनने वाली है, ठीक वो आप 1500 हज़ार 2000 में ख़रीद लो और आप ही बनवाओ 4 साढ़े 4 6 7 हज़ार में, वो फिर डबल से ट्रिपल कीमत में बेचो, आपको तो डबल। फ़ायदा है, आप तो घर ले जाओगे पैसा। उसने बोला भाई आपका ये पैनल ख़राब है, ये आप सेल करेंगे तो फ़ायदा है, बाकी आपके बनने में 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो इसलिए मैंने कहा 1-1.5 लाख का तो पैनल, कह रहा है पैनल के ही पैसे होते हैं। मैंने बोला आप फ़ायदा क्या बनाने का, तो उसने बोला आप मुझसे 9,000 रुपये ले लीजिए, आप मुझे दे दीजिए। ये वाली आईसी इसने यहाँ से निकाली भी है, ठीक है। देखें ये ट्रैक, सी देखें एक हाँ दो तीन चार, चार आईसीज वाला, ये भी पट्टी है ये भी पट्टी है। अब ठीक मेन चीज़ है जो मैंने आपसे भी बोला है कि इसके अंदर ये क्या चीज़ होती है जो लाइंस नहीं जाती। तो कहते हैं कि आपकी सप्लाई ख़राब हुई हुई है, आप मुझे इतने पैसे दे दो, 10 हज़ार लगेंगे 12 हज़ार लगेंगे, बट आपकी कॉफ आईसीज ख़राब है, डायरेक्ट कॉफ आईसीज डलेगी आपका शीशा रिजल्ट दे देगा। अच्छा लेकिन अब बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्यों आ रही है वजह? ठीक वो कहते हैं मदरबोर्ड से मसला आ रहा है आपका ना, है। वो सप्लाई छेड़ देते हैं और हाँ इसके बाद आपका ब्लास्टर लाइटें ख़राब है, ये ख़राब है। जब आपकी ब्लैक स्क्रीन होगी तो नज़र जाहिर सी बात है कुछ नहीं आएगा। मैंने जो पिछली वीडियोस में आपको पैनल रिपेयर करके दिखाया और ये दिखाया कि पैनल बनते कैसे हैं, ठीक आज मैं जो लेकर आया हूँ आपके लिए वो ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि वो कौन से ऐसे पैनल होते हैं जो नहीं बन सकते, है। अच्छा कि कौन से जो पैनल पैनल हैं जो नहीं बन नहीं सकते? बन ठीक सकते, जिनके अंदर बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार हमने कफ भी लगवाई बट लाइन नहीं गई, है जो अक्सर किसी दूसरे मशीन वालों के पास भी जाते हैं, काफ़ी मैकेनिक्स लोग के पास जाते हैं, बोलते हैं यार हमने कफ लगवाई बट लाइंस नहीं गई। ठीक मैं है ठीक आपको आज ऐसा पीस दिखाऊंगा जिसके अंदर लाइंस ब्रेक होती है गिलास की ना, है कफ हमारी सही होती है, लाइंस अंदर की ब्रेक होती है, उसकी लाइंस नहीं जाती है, हंड्रेड एंड ठीक है टेन परसेंट उसकी लाइन नहीं जाएगी, नहीं वो जाएगी। मैं आज आपको इंशाल्लाह आज चलें दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाह करके दिखाते हैं। ठीक, ठीक ये वाली तो है आज मैं आपको ये वाली एलईडी दिखाऊंगा, ठीक ये मेरे पास एक कस्टमर की आई हुई है, है ठीक है। ठीक सो ये मैं आपको आज दिखाऊंगा, ये मैंने इसकी कॉप आईसी उतार के चेक करी है, ये ऑलरेडी किसी के पास से होकर आई हुई है, क्योंकि ये देखें इसकी आईसी तक उतारी हुई है, सही है। ठीक है। इसकी मैं सेम आपको पट्टी दिखाऊं ताकि तो आप ऐसी लोगों उतार को दी है ये इसकी? आईसी उतार के चेक करने के लिए उतार नहीं देते कि उतारिए कि भाई ठीक है आपको आईसी लगा के ओके कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट देखें ये चीज़ नहीं बनने वाली है, खामा खा आपका टाइम वेस्ट होता है, आप ठीक तीन तीन चार चार घंटे लगा रहे होते हैं सही बैठ है के कि नहीं हमारी चीज़ बनेगी, बट चीज़ बनने वाली नहीं होती, टाइम पे टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है सो मैं आपको आज इसका सेम चीज़ दिखा दूँ, देखें ये जो स्केलर है ना सही सेम है यही स्केलर है, ठीक ये है हमारी ओके स्केलर है जो चेकिंग की ठीक होती है ना, सही ये है। देखें ये वाली आईसी इसने यहाँ से निकाली भी है, ठीक है। देखें ये ट्रैक, सी देखें एक हाँ दो तीन चार, चार आईसीज वाला, ये भी पट्टी है ये भी पट्टी है। अब ठीक मेन चीज़ है जो मैंने आपसे भी बोला है कि इसके अंदर ये क्या चीज़ होती है जो लाइंस नहीं जाती, है ठीक तो आज हम दिखाएंगे, अगर आपका कैमरा दिखा सके तो। ये देखें मैंने कॉफ आईसीज उतारी है, कॉफाइसिस उतरी उतरी थी है उतारी हुई, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको प्रिंट नज़र आ रहा होगा सही है। ऐसे, ये देखें बज़ाहिर मैं आपको साफ़ करके भी दिखा दूँ ताकि हाँ कस्टमर हमारे व्यूवर्स को साफ नज़र आए कि हाँ हमारे ठीक पीस है में ये मसला होगा, इसी वजह से हमारी लाइंस नहीं गई। ठीक ये है देखिए मैंने क्लीन करी, ये हाँ देखें इसके ट्रेक कटे में, सही 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 नज़र आ तो रहे थे। सारे ट्रेक इसके कटे में, मकसद ये आपका शीशा बनने वाला नहीं है। नहीं है शीशा अगर मैं बनना इसको बना दूं ठीक तो है। लाइनों में खड़ा होगा, जिससे कि गिलास की लाइंस होती हैं हाँ। जो मकसद नहीं जा सकती, ठीक है कस्टमर कहते हैं मसला नहीं हम चला लेंगे आप बस बना दें, ठीक है तो अच्छा मैं कस्टमर से ये कहता हूँ कि अगर आप बनवा भी लेते हैं तो इसकी लाइफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे नहीं किसी से भी बनवाते हैं, सही कोई है सस्ते में बना देता है 2,500 3,000 में, कोई सस्ते में बना भी देता है तो क्या उसकी लाइफ नहीं होती? जस्ट बाहर तो पैसा आपसे ले लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन आपकी चीज़ की लाइफ नहीं, तो फ़ायदा फिर आपका बनाने का। ठीक हो गया तो ठीक ये है कि कस्टमर को मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँगा। देखें अगर आपके ट्रैक कटे में ना प्रिंट कटे में और है रेम्बोस कलर्स में लाइन आ रही है आपकी, ठीक है जो रेम्बो कलर्स होते हैं, ठीक बजाय है ब्लैक लाइन होती है या फिर एक दो लाइन होती है जो हिल रही होती हैं वो चली जाती हैं, सही और कुछ लाइन्स होती है जैसे कि ट्रैक वापसी दिखाएं कटे में, सही इसकी लाइन्स नहीं जाती। ठीक है सही है। और और बाकी आपको मशीन वगैरह को जैसे पीछे पीछे की वीडियो आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब पता चल जाएगा किस तरीके से हमारे यहाँ पे पैनल बनते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये हमारी मशीन है, ये हमारा पूरा एक एज अ सेटअप बनाया हुआ हम लोगों ने, ठीक है ये पैनल हम लोगों ने रेडी करा हुआ है, ये हमारे पास देखें प्रोसेस पे रखा हुआ है, ठीक है इसकी ये आईसीज ख़राब हैं। अच्छा मैं आपकी एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है ठीक वो एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें ये पैनल है हमारे पास ना, है ये कस्टमर का आया और ये आज ही आया ना, अच्छा इसके अंदर मैं आपको फाइल दिखाता हूँ, जो वीडियो नहीं आ रही होती ना पूरी ब्लैक हो जाती है, इसका मैं हाँ आपको फाइल दिखाता हूँ। प्ले मैं शीशा हटाऊँ यहाँ से उठा के, कौन सा मैं ये आपको ये वाला शीशा दिखाता हूँ सर, ठीक कि है ये आया मेरे पास ब्लैक, अच्छा
जी बिल्कुल, स्क्रीन अब बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्यों आ रही है वजह? वो कहते हैं मदरबोर्ड से मसला आ रहा है आपका ना, वो सप्लाई छेड़ देते हैं और इसके बाद आपका ब्लास्ट लाइटें ख़राब हैं, ये ख़राब है। जब आपकी ब्लैक स्क्रीन होगी तो नज़र जाहिर सी बात है कुछ नहीं आएगा, तो ये चीज़ जो होती है खोलने के बाद पता लगती है। ये ऑलरेडी पहले से ही किसी मशीन वाले के पास से उठ कर आया हुआ है, सो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर आपको बताया सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही होंगी, आ रही हैं है। लेकिन आप थोड़ा आगे लेकर आएंगे ना तो ये देखें, ये जली हुई है कफ, कौन सी? ये वाली पता चला जली, ये देख रहे हैं स्पार्क हुई हुई है। अच्छा ये वाली, ये स्पार्क हुई हुई है आपकी कफ, जिसकी वजह से आपका पैनल वीडियो शो नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि आपकी सप्लाई ख़राब हुई हुई है, आप मुझे इतने पैसे दे दो, 10,000 लगेंगे, 12,000 लगेंगे, बट आपकी कफ आइसिस ख़राब है, डायरेक्ट कफ आइसिस डलेगी, आपका शीशा रिजल्ट दे देगा, अच्छा बेहतरीन हो जाएगा आपका। तो इसके कितने पैसे लगेंगे इसके तकरीबन? ये 40 इंच का पीस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में 8.5 से आपके कहने पे 7.5 लिया था मैं ना, तो 7,500 रुपये ही रखेंगे हम इंशाल्लाह, वो यूँ क्योंकि इसका सामान काफ़ी महंगा हो गया है। 40 इंच का 7,500 रुपये। ये चेंगोंग रूबा का पैनल है, चेंगोंग रूबा कंपनीज आती है ना, चेंगोंग रूबा ये उसका पैनल है। 7,500 रुपये में इसका बिल्कुल रेडी इंशाल्लाह, बिल्कुल ओके हो जाएगा ये आपका। ये आईसीस देखिए जली हुई है, ये आप चेंज कर ये मैं इंशाल्लाह चेंज करूंगा, ये जीरो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया बेहतरीन। अच्छा दिलावर भाई ये दो चीज़ें आपने दिखा दी, अब बिल्कुल और कौन सी चीज़ है जो तीसरी जो चीज़ है ना अब्दुल्ला भाई, वो बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कस्टमर व्यूवर्स के मैसेज आते हैं दिलावर भाई हमारी चीज़ टूट गई है, ब्रेक हो गई है, कुछ चीज़ लग गई है, सो मैं इंशाल्लाह उसका आपको वज़ाहिर बिल्कुल वाजे करके क्लियर करता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना आपकी सर जी, वो बन ही नहीं सकती। अच्छा। वो सिर्फ चेंज होती हैं। अच्छा। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखें ये जैसे कि आप देखें ना मेरे पास सारी टूटे हुए पीस हैं, ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये डैमेज है, ये 43 का पैनल है ओरिजिनल सैमसंग का, ये भी ना, सो ये देखें सारा टूट गया, ये डैमेज हो गया है, ये बॉल लगी है फुटबॉल, ये डैमेज हो गया पूरा पीस। अच्छा फुटबॉल, ये जो टूट जाते हैं ना पैनल सर वो आपके रिपेयर हो ही नहीं सकते। अच्छा ये स्क्रैप हो गया आपका, ये फिर इसका क्या किया जाता है? इसका जो होते हैं जैसे अगर स्केलर काम में आ जाती है, सही है। वो आ जाती है, कफ आइसिस तो हम यूज पे काम करते ही नहीं है, सही है। जब अगर स्केलर वगैरह काम में आ गई सो आ गई, वरना अगर स्केलर भी ख़राब होती तो हम इसको स्क्रैप ही रखते हैं। अगर कोई बंदा जैसे न्यू लेना चाहता है और पुरानी आपको दे दे, ये वाला काम नहीं करते, क्योंकि पुरानी के जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि हमसे नहीं कहीं से भी आप करोगे ना तो आपकी चीज़ के रेट आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँचा के अपनी चीज़ की वैल्यू डबल कर देंगे, वो नुकसान हमें और किसी दुकानदार को नहीं होता, नुकसान किसको होता है? व्यूअर्स को और कस्टमर को, वो खामखा नुकसान उनको हो रहा होता है। तो आप बोल रहे हैं कि ये वाला जो है रिपेयर अवेलेबल, ये नहीं होगा, ये डैमेज हो गया है, जो चीज़ डैमेज होगी वो रिपेयर नहीं होगी, वो चेंज होगी, वो चेंज होगी बिल्कुल। ठीक। अच्छा दिलावर भाई लास्ट में ये है कि शुरू जो लास्ट वाली वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर काफ़ी हमारे भाई नाराज़ हुए थे जो एलईडी का काम करते हैं, ठीक है। वो अच्छा। कह रहे थे कि भाई ये झूठ है, फलाना है, ढिमकाना है, एक बात है, क्योंकि वो आपने लोगों को अवेयरनेस दे दी थी, लोगों को आपने बचा दिया था मेरे ख्याल से, सही। सारे मैकेनिक की बात नहीं करते हैं, उनकी करते हैं जो सिर्फ इनका। देखें सर मैं अब्दुल भाई आपकी बात काटूंगा, वो यूँ काटूंगा, देखें बुरा उनको लगेगा जो ये काम करते हैं गलत, मेन चीज़ ये। देखिए मेरे को बुरा लगेगा तब जब मशीन वालों की बात भी आएगी, मुझे बुरा तब लगेगा जब मैं ये काम करूंगा, जब मैं बुरा काम करता नहीं हूँ तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? सही 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 है। तो आपके पास कोई आया था इतना रिएक्शन वगैरह? देखें काफ़ी रिएक्शंस आते हैं कि यार आपने ऐसा बोला कि यार हम चेंज कर लेते हैं, हमारे बच्चों की भी रोज़ी है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है, देखें बच्चों की रोज़ी सबकी है, हम लोग भी घर के लिए ही कमाते हैं, हम लोग जो यहाँ आते हैं घर वालों के लिए ही आते हैं, अपने लिए कोई कुछ नहीं कर पाता, ऐसा आप भी जानते हैं और सभी लोग जो व्यूअर्स हैं वो भी जानते हैं। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हलाल खिलाया जाए। सही बात है। अभी किसी की चीज़ फॉर एग्जांपल बनने वाली है, ठीक है। वो आप 1500-2000 में ख़रीद लो और आप ही बनवाओ 4,500-6,000-7,000 में, वो फिर डबल से ट्रिपल कीमत में बेचो, आपको तो फ़ायदा है, आप तो घर ले जाओगे पैसे, लेकिन जिसकी जो कीमत है उन्होंने क्या, उनका क्या कसूर था? वैसे भी यार मुल्क के हालात को, क्योंकि हालात तो बहुत ख़राब है। देखें जो मिडिल तबका होता है ना वो कहता है हमारे कुछ पैसों में चीज़ बन जाए, ठीक है, और हमारे लोग हम लोग ये गाइड कर रहे होते हैं कि यार आपकी चीज़ ही ख़राब है, हालांकि चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती, बनने वाली होती है। मैंने काफ़ी ऐसे पीस बनाए तो वो ऐसे हुए कि मकसद स्क्रैप करके लेकर आएँ कि सर ये इन्होंने आईसी फाल्ट कर दी। देखिए ना मैंने आपको दिखाया था ना, ये आप वापसी पीस दिखाएं, ये मैंने आईसी नहीं निकाली है, ये ऑलरेडी आईसी निकली हुई है। मैं इसकी सेमी पट्टी वापसी आपको दिखाऊं, ये मतलब किसी और ने ये निकाली हुई है। अब निकाल के शीशा ख़राब कहना ये तो फिर समझ लें कि
ज्यादती है, ज्यादती ना करें, मैं कह रहा हूँ साफ सुथरा काम करें, अल्लाह पाक आपको वैसे भी रोजी बहुत देगा। आपने देखा होगा आपकी वीडियो से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कस्टमर आते थे, आपकी वीडियो से फायदा मुझसे भी ज्यादा कस्टमर को भी हुआ है कि नहीं यार काफी चीजें हम लोगों को पता लगी है कि यार हम जो चीज बेच देते हैं वो बनने वाली है। मेरे पास अभी भी अगर आप कहोगे मैं इंशाल्लाह आपके कस्टमर से मैं आपकी बात करवाऊंगा, वो मेरे ख्याल से अभी लेकर आया ना अभी पीस, उसके पैनल में जो मसला था मैं इंशाल्लाह उससे भी आपकी बात करवाता हूँ, उस कस्टमर को मैं इंशाल्लाह अंदर बुलाता हूँ, वो आपको बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ, उसने अपनी एक पीस क्यों बेचा। पर 5 मिनट आप थोड़ा सा मेरे सब्र करें, मैं इंशाल्लाह कस्टमर तो मैं इंशाल्लाह आपको एक भाई से मिलवाता हूँ जो मेरे पास कस्टमर आए, आई थिंक गुलशन इकबाल से आए ना, बहुत दूर से आए, तो उनके साथ भी एक ऐसा सीन हो चुका है। मैं लाइव यूँ दिखा रहा हूँ कि जो व्यूवर्स होते हैं उनको ये लगे हमारी स्क्रिप्टेड नहीं होती, अल्लाह ना करे, कसम वाली बात नहीं होती, भरोसे वाली बात होती है। स्क्रिप्टेड हमारी इतनी सी भी नहीं होती है कि हम लोग स्क्रिप्ट कर रहे हैं, कोई लिख विक के हम लोग चैनल बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर से बाजार में आपको साफ सुथरी चीज़ बताऊंगा, वो कस्टमर खुद बताएगा, मैं क्या बताऊंगा भाईजान कम। तो ये भाई हैं, भाई की खुद ज़बानी सुने इनके साथ क्या हुआ और ये मेरे पास क्यों आए, कैसे आए, मैं इंशाल्लाह आपको खुद बता। अच्छा जी, वाईक सलाम भाई जान। भाई बताएं आपके साथ क्या हुआ था। जी मेरे पास एक एल थे, ये सैमसंग का 55 इंच का ओरिजिनल सैमसंग एलईडी था, तो मैंने कंपनी मतलब एक बंदे वेंडर को बुलाया था, तो वेंडर को मैंने कहा ये मेरी घर पे आके चेक कर लें, उसने बोला भाई आपका ये पैनल ख़राब है, ये आप सेल करेंगे तो फ़ायदा है, बाकी आपके बनने में 1-1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो इसलिए मैंने कहा 1-1.5 लाख का तो पैनल, कह रहा है पैनल के ही पैसे होते हैं। मैंने बोला आप फ़ायदा क्या बनाने का, तो उसने बोला आप मुझसे 9,000 रुपये ले लीजिए, आप मुझे दे दीजिए। 9,000 रुपये 55 इंच सैमसंग है, JS 7200 मॉडल था। हाँ तो उसकी मार्केट है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये मान लिया था, 2 लाख रुपये का सिर्फ 9,000 रुपये में। 9,000 रुपये फिर मैंने 2 दिन के बाद भाई की मैंने वीडियो देखी, तो मैंने तो मुझे तो बहुत पछतावा हुआ, फिर मैंने भाई से कॉन्टेक्ट किया, इसने बोला मेरी सदर में अपनी दुकान है आप आ जाएँ, तो मैं आपको पीस सही करके, अब मेरे पास 32 इंच का है, वो मैं भाई के पास लेके आया हूँ, वो भी यही मसला था, ऑन ऑफ का मसला था। अच्छा भाई ये जो बता रहे हैं वो जो 55 इंच का लेते थे उसमें क्या इशू था। अच्छा मैं बताऊँ, इन्होंने जैसे मुझे कंडीशन बताई ना, वीडियो आ रही थी बाजार, बैकलाइट्स बनती उसकी, चलो बैकलाइट्स बनती, बैकलाइट्स बनती था उसमें, उसमें मुश्किल से 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा था, बैकलाइट्स चेंज होती हैं बस, बैकलाइट्स 7 से 8 हज़ार रुपये का मुश्किल था। अगर हम इसकी ओरिजिनल पर जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक फिगर रखाऊँ ना, फिगर 12,000 से ऊपर का खर्चा नहीं होगा आपका। मुझे भी बाद में पछता हुआ जब भाई की मैंने वीडियो देखी ना, मुझे बहुत पछता हुआ, मैंने इसलिए फ़ौरन मैंने भाई के साथ कॉन्टेक्ट किया, और आज मैं भाई कल मैंने कॉन्टेक्ट किया, भाई ने आज बुलाया, मैं इसके भाई का पीस ओके हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह ना, हो चेकिंग पे लगाया हुआ हमने। अच्छा कहने का मकसद ये, अब ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये भाईजान कसम भी खा सकते हैं, जो चीज़ इनसे आप करवाएं वो करवा सकते हैं, ये स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं हमारा, ये जो सारी चीज़ें होती ना हमारी, ये हमारी स्क्रिप्टेड होती, जेन्युइन होती है, लाइफ होती है एक तरीके से, ये आप भी कह सकते हैं, जो ये तो नॉन पर्सन है और मैं इनसे मिला ही फर्स्ट टाइम हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोग मुलाकात करिए, मेरे कहने का मकसद है ये सीधे सीधे राउंड नहीं है तो और क्या है। मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में कहा है ना, मैंने सिर्फ इसी वजह से कहा है कि यार आप अपनी चीज़ प्रॉपर 1 नहीं 2 नहीं 3 जगह से चेक करवाओ, उसके बाद किसी को सेल करें, ताकि आपको कहीं नुकसान वगैरह ना हो। भाई लास्ट में एड्रेस और एड्रेस थोड़ा सा लोगों को सही से गाइड, क्योंकि लोग पहुँच नहीं पाते, दूसरा नंबर भी करते हैं। अच्छा मैं आपको सबसे पहले अपना नंबर देता हूँ, 03152431076। अच्छा एड्रेस हमारा यूँ है, अगर हम बंस रोड से आएंगे ना तो शफीक तिक्के वाला, अगर हम रीगल से भी आएंगे तो शफीक तिक्के वाला, मेन आप याद रखें शफीक तिक्के वाला, क्योंकि यही हमारी गली है, आप इसी के अंदर आ जाएं, शफीक तिक्के वाली गली के आप अंदर आएंगे तो अलमावा होटल यहाँ पे बहुत मशहूर है। अब अलमावा होटल के कोई वहाँ पे बताता नहीं है, बोलते पिछली गली चले आओ, इधर चले आओ, दुबई होटल चले आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अलमावा होटल याद रखें, शफीक तिक्के वाली गली याद रखें, अलमावा होटल के बिल्कुल सामने तैयब कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, तैयब कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएँ, 102-103 दुकान नंबर है, और अली इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का नाम है, दिलावर मेरा नाम है, बाहर जो लड़का होता है उसका नाम अरसलान है। बाज़ औक़ात में कहीं मसरूफ़ होता हूँ या अपने काम में मसरूफ़ होता हूँ, कॉल्स वगैरह नहीं उठा पा रहा, तो आपका विजिट होता है तो आप डायरेक्ट ऊपर आ जाएं, अरसलान नाम का भाई लड़का होगा, इंशाल्लाह आपको रिसीव कर लेगा। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर मैं आपको अगेन बताऊँ, 03152431076। बहुत शुक्रिया दिलावर भाई, थैंक यू सो मच।